मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। मैं विशेष करके कर्नाटक से इलेक्शन प्रचार के लिए आपका दर्शन लेने के लिए आया हूं और ऐसा तो बैठिए, वो भी आएंगे, शांति से सुनिए। वो आने के बाद जोहार साथियों, बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, सिद्धो कानू, इस धरती को मैं नमन करता हूं। 1857 की लड़ाई से भी पहले झारखंड के आदिवासी भाइयों और बहनों ने 1855 में हूल क्रांति की थी, से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और सिद्धू कानू के नेतृत्व में 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इस मौके पर सिद्धू नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये उनका नारा था। और यहाँ के आदिवासी वो लड़ाई लड़े। ऐसी आज देश में हर एक तबर आवाज उठ रही है कि भाजपा हमारी माटी छोड़ो। और उसके अलावा क्यों ये नहीं आ रहा है? उसके अलावा अंग्रेजों ने आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, भ्रष्ट जमींदारों की फौज तैयार की, जो लोगों से जबरन कई गुना लगान वसूलने का काम करती थी। पिछले 10 साल में मोदी जी ने भी अंग्रेज की तरह झारखंड की जल जंगल जमीन पर कड़ा प्रहार किया है। देश के सारे जरूरी जल जंगल और जमीन अपने करीबी 20-25 मित्रों को उन्होंने देकर रखा है। और इस देश में जितने भी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रोड है, हाईवे है, रेल है, सारे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में तैयार हो गए थे, वो एक एक करके मोदी जी बेच रहे हैं। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो, क्या इस देश के लिए तुमने किया? क्या इस देश के लिए तुमने किया? जो हमने बनाया वो एक एक करके आप बेच के खा रहे हो, शर्माईदार को आप जमीन दे रहे हो, लकड़ी दे रहे हो, पानी दे रहे हो और गरीब जनता को लूट रहे हो। अब लूटने नहीं देंगे, ये लड़ाई आपकी और बीजेपी के खिलाफ है। और जो आदमी बीजेपी का आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, अरे जरा बैठो, एक बैठो, चुप चुप। जो आदमी यहां पर से बीजेपी से खड़ा है और यहां से हमारे यादव जी कहां गए वहां गए, यादव जी जो प्रदीप यादव जो एक बहुत ही मजबूत नेता को हमने आपको दिया है, उसको आप चुन के लाना चाहिए और मोदी को बताना भाई आपका नहीं चलेगा और हमारा जो प्रदीप यादव है इसको हम चुन के भेजेंगे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं ये समझूंगा
कि आप मोदी की गवर्नमेंट और चाहते हैं, और मोदी के जो लोग यहाँ है वो सब घोटाले करने वाले हैं, गरीबों के तरफ कोई देखने वाला नहीं है। पिछले 10 साल में कई आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के बीजेपी ने हर कदम पर उनका मान किया है। अनेक आप सबको मालूम है हमारे एक ही आदिवासी चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में है, और उस आदिवासी चीफ मिनिस्टर को मोदी ने जेल में डालकर आज इलेक्शन करवा रहा है। हेमंत सोरेन को आप जेल में डालकर इलेक्शन करवाते हो तो इसका बदला झारखंड के लोग जरूर लेंगे, और ये बदला लेके रहेंगे। और मोदी कितने भी कोशिश करो, मोदी हमको दबाने की आप कितनी भी कोशिश करो, हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। अरे हम जंगल में रहने वाले हैं, आप सिर्फ महल में रहने वाले हो, आप एसी के अंदर रहने वाले हो, आपको मालूम नहीं जनता की तकलीफ क्या है, आपको मालूम नहीं लोगों की गरीबी क्या है, आपको मालूम नहीं महंगाई क्या है, आपको मालूम नहीं नौकरी क्या चीज है, क्योंकि सारी चीजें इन्होंने खत्म कर दी है। महंगाई इतना बड़ा है, उसके तरफ मोदी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। युवकों को नौकरी देने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो भी नहीं कर सके। बार बार उन्होंने यही कहा, जो जब इलेक्शन आता है तब मोदी ने कहा, भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस वाले स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा रखा है, काला धन रखा है, काला धन रखा है, वो काला धन मैं लाऊंगा, 15-15 लाख आपके जोब में डालूंगा। उन्होंने दिया 15 लाख नहीं, वैसा ही फिर हमारे युवकों को बोला कि आपको 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। दिया मोदी ने, दिया नहीं दिया, और उन्होंने बोला किसानों की आमदनी 2 गुना करूंगा, किया तो मोदी क्या किया, झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं किया। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मोदी जी आप झूठ बोलना बंद करो। तेजस्वी यादव आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। गठबंधन के ओर से हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, हमारे लड़ाई में वो आगे हैं, हमारे साथ हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उनके लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आप लोग भी इंतजार कर रहे थे, वो आए हैं, इसके बाद वो भाषण करेंगे, आप सुनना, तब तक आप शांत रीति से बैठिए। भाइयों, हमने बहुत कुछ कहा, भाइयों हमने बहुत कुछ किया, लेकिन मोदी जी हमेशा हमको ये बोलते रहे कि मैं आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका सम्मान करता हूं, ये हमेशा बोलते आए। लेकिन किसी ने अपमान अगर किया दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, तो मोदी जी ने किया। जब राम मंदिर बनी उस वक्त, उसकी पूजा के वक्त हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी
मुर्मा जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एक आदिवासी लेडी है, आदिवासी महिला है, इसीलिए उसको छोड़ के चले गए। उसी तरह पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग को भी जब उद्घाटन करना था, जब उसका फाउंडेशन डालना था, उस वक्त भी उन्होंने कोविंद को भी नहीं बुलाया, मुर्मा जी को भी नहीं बुलाया। ऐसा इंसल्ट करने वाला आदमी कभी भी दलित पिछड़ों का, आदिवासियों का सम्मान नहीं कर सकता। इसीलिए हमको हमारा संविधान बचाना है, हमको हमारा लोकतंत्र बचाना है। इसके लिए आप खड़े होना चाहिए, इसके लिए आप मजबूती से लड़ना चाहिए। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हर चीज के लिए लड़ाई जरूरी है। आज जो हमारे को रिजर्वेशन मिला वो इसलिए मिला डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच जो करार हुआ 1932-35 के अंदर, उस वक्त से बाद में जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उस वक्त उसमें ये प्रोविजन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी महात्मा गांधी जी के कहने पर डाल के ये आदिवासियों को और दलितों को रिजर्वेशन मिला। ये रिजर्वेशन मेहनत से आया है, लड़ाई से आया है। इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग, अरे जरा छुप बैठो भाई, बाद में मिलो, गले मिलो, अच्छा मिलो, जरा सुनने का भी आदत रखो। बाबा साहब अंबेडकर ने यह काम किया और आज ये बोल रहे हैं हम लोग मिल के काम करेंगे। और इसीलिए मैं एक चाहता हूं कि आज हमने एक पांच गारंटी दी है और पांच न्याय और 25 गारंटी हमने दी है। वो गारंटी एक तो है महिलाओं को सालाना हमारे माताओं को 1,00,000 रुपए हम देंगे, यह हमारा वायदा है। 1,00,000 चाहिए नहीं आपको, महिला हाथ नहीं उठारे, आप नहीं चाहिए हाथ उठाइए। अरे भाई महिला आप भी पालती है, आप मर्द भी उठाइए। और उसके अलावा हमारे को हिस्सेदारी चाहिए, उसी लिए जातीय जनगणना हमको कराना है, करके सबको न्याय दिलाना है। उसी के तरह आरक्षण का हक हमको लेना है, बैकलॉग वैकेंसीज भरना है। आज देश में 23,00,000 वैकेंसी खाली है, मोदी जी गरीबों को वो दे रहे नहीं। जब वो देना नहीं चाहते, हम इस इलेक्शन में गठबंधन की सरकार आएगी, हम बराबर 15 अगस्त से ये जो गठबंधन की सरकार है वो नौकरी भर्ती करने की चालू करेगी और हम 30,00,000 नौकरियां देके रहेंगे। ऐसा ही यहां पर नौकरियां खाली है, झारखंड में, बिहार में खाली है, स्टेट गवर्नमेंट के हर जगह खाली है, लेकिन गरीबों को ये नहीं दे रहे। यहां तक आपको मालूम है मिलिट्री में भर्ती करने के जितने भी सैनिक को नौकरी देना था वो भी मोदी जी बंद कर दिए और वो अग्निवीर स्कीम लाए। अरे अग्निवीर स्कीम 4 साल के लिए, 40 साल तक वो क्या करे, बेकार होके फिरे, रास्ते पे फिरे। ये आप देखना चाहिए किस तरह से नौजवानों को वो फंसा रहे, किस तरह से दलितों को फंसा रहे, किस तरह से आदिवासियों को फंसा रहे, किस तरह से
बैकवर्ड क्लास के लोगों को, अति पिछड़े को कैसा फंसा रहा, यह आपको देना होगा। और इसके लिए आप सब लोग एक होकर लड़ना चाहिए। भाइयों, यूपी सरकार में वन अधिकार कानून बना था, जिसे मोदी सरकार ने कमजोर किया। जंगल काटने और कंपनियों को सौंपने के लिए अनिवार्य सहमति यानी कंसेंट के नियम को भी खत्म करके जल जंगल जमीन पर हमला किया। राहुल गांधी जी ने सरना कोड को भी लागू करने का आश्वासन दिया है, वो हम करके रहेंगे जब हमारी सरकार आएगी। उसी के साथ हम ये कह रहे हैं कि आगे भविष्य में हमारे सभी लोग एक होके चलेंगे। और राहुल गांधी जैसा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की और इस धरती से भी वो यहाँ मणिपुर से महाराष्ट्र तक चले, ये सब आपको मालूम है। हम लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं। कितने लोगों को ये जेल में डालते देखेंगे आज के दिन में? अरे ऐसे ब्रिटिश सरकार को हम नहीं डरे, ये मोदी को डरेंगे मोदी को, क्योंकि आप मजबूत हो, डरेंगे नहीं। और ये बार बार डराने की बात करते हैं और बार बार डांट करके ये यही बोलते हैं कि देखो हमारे कांग्रेस वाले हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे हमने कभी किया ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर किसी की बात वो करते हैं हिंदू मुसलमान बोलकर, वो तोड़ने की बात करते हैं और हम जोड़ने की बात करते हैं और हम जोड़कर देश को एक रखना चाहते हैं, लेकिन मोदी हमेशा तोड़ते हैं। यहां तक मैंने अहमदाबाद में उसका एक भाषण सुना, उन्होंने कहा, मैं भी वहां था, उन्होंने क्या कहा, ये जातीय जनगणना करके आप लोगों के घर में घुस के एक्सरे कर रहे हैं और एक्सरे करके तुम्हारे पास सोना कितना है, चांदी कितनी है, जमीन कितनी है, जानवर कितने हैं, इसका पूरा हिसाब लेकर ये मुसलमानों को आधा बांटने वाले हैं। ये उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास दो भैंस है, एक भैंस मुसलमान को देंगे, ये मोदी ने कहा। ये क्या बात है, एक प्राइम मिनिस्टर इस ढंग से बात कर सकता है? एक प्राइम मिनिस्टर अपनी सोच को जरा, मैं समझता हूं सोचने में कमजोर है, खास करके गरीबों के बारे में। अरे ये देश आजाद हुआ, आजाद हमने करवाया। मोदी साहब अभी आप छोटे बच्चे थे, आप उस वक्त आजादी के लड़ाई में नहीं थे, तुम्हारी आरएसएस नहीं थी, तुम्हारी जनसंघ नहीं थी, तुम सब लोग नौकरी करते फिरे और हमारे लोग लड़ते फिरे, फांसी पे लटकते रहे और हमको सिखाते आप। हमने आपको कुर्सी पे बिठाया क्यों? इस देश का संविधान और लोकतंत्र ये कहता है कि जिसको मेजोरिटी आए उसको दो, हमने दिया, लेकिन उसको आप इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का, इनकम टैक्स का और ये सीबीआई का, सब उसको अंदर लेकर उसको मजबूत तुम कानून बना लेके लोगों को सब हरासमेंट कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, अच्छाई के लिए काम करने का छोड़ के संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए हमारे सामने दो हमको करना है, चार काम। एक तो ये संविधान को बचाना है, ये संविधान को बचाना है। ये मुझे किताब
पार्लियामेंट में दी गई है वो लोगों ने सेक्रेटरिएट ने मुझे दिया है। मेरा नाम डालकर मल्लिकार्जुन खड़गे 19/9/2023 ये किताब उनकी है। अरे भाई इसको बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं और वो ये आपकी हिफाजत करता है, कोई आपकी हिफाजत नहीं करेगा। कितना बड़ा लीडर हो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ये एक किताब बाबा साहब अंबेडकर की है ये करेगा। इसीलिए इसको लड़ना है, इसको बचाना है। आप लोगों को मैं यही कहता हूं, अपनी लड़ाई अपने को करना है, दूसरों के खातिर अगर वो हमारी लड़ाई लड़ेगा ये लड़े, कोई नहीं लड़ता। जब तक तुम खुद को अपने आप को लड़ने का नहीं सीखे तो तुमको कोई सिखाता नहीं, क्योंकि तुमको गुलाम का गुलाम रखने के लिए ये मोदी की प्लान है। उदाहरण मोदी जी ये चाहते हैं सभी लोग दलित दलित रहे, पिछड़े पिछड़े रहे, आदिवासी आदिवासी रहे, अल्पसंख्यक को तो उन्होंने कुछ नहीं समझते। अरे ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सब समान है, समानता का संदेश हम लोग दे रहे हैं। लेकिन इसको बर्बाद करने वाले लोग बीजेपी के हैं और मोदी है, शाह है, ये सब लोग इसी के लिए बैठे हैं, हमको तंग करना चाहते हैं। लेकिन आज हमारी गठबंधन मजबूत है, यहाँ तेजस्वी यादव जी बैठे हैं, लल्लू प्रसाद जी हैं और बहुत से नेता लोग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम लड़ने वाले हैं और हमारे पार्टी में गठबंधन में सब लोग हैं, सब जाति के सब धर्म के लोग हमारे पास हैं। तो हम इस बार बीजेपी को हरा के रहेंगे और हमारी सरकार जरूर आएगी और आने के बाद हमने जो वायदा किया है वो वायदा हम निभाएंगे। इसलिए इतना ही कह के हमने और एक देखिए साथियों, वो बार बार मोदी बोलते हैं 5 किलो चावल मैं मुफ्त दे रहा हूं, क्या तुम्हारे घर से लाके दे रहे हैं? कहां से भाई? अरे हमने चावल उगाया, हमने हरी क्रांति की और हमारे फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आहार भद्रता कानून सोनिया गांधी ने लाई उस वक्त से मिल रहा है, तुम नहीं लाए भाई। अब 5 केजी के जगह हम 10 केजी आपको फ्री में देने वाले हैं और 1,00,000 रुपए सालाना महिलाओं को देने वाले हैं, युवाओं को मजबूत बनाने के लिए साल को 1,00,000 रुपए देने वाले हैं। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके अलावा हमारे जो बेरोजगारी है और अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद जो हमारी कीमतें इतने ऊंची चले गई है उसको लाना है, उसके साथ ही लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। इसीलिए आप एक होकर लड़ना चाहिए और हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। तुम्हारी आशीर्वाद की जरूरत है, तुम्हारी एक वोट की एक वोट की जरूरत है। एक वोट से देश बदल सकता है, एक वोट से संविधान को बदलने वालों को रोक सकता है, एक वोट से सब कुछ हम कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। इसीलिए आप यहां जो हमारे कैंडिडेट हैं प्रदीप यादव, ये हाथ इनका निशाना हाथ है, आप हाथ को वोट देंगे, हाथ को वोट देंगे, आवाज दो भाई, आवाज दो, देंगे। ठीक है, आप सबको कहूंगा और आखिरी बात एक स्लोगन करूंगा छोटा सा, मैं कहूंगा मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ। अरे बीच में के लोग क्यों कमजोर हो गए मुझे समझ में नहीं आया।
मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद आप लोगों को शांति से सुनने के लिए। और मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ हमारे तेजस्वी को, वो टाइमली आए और वो भी बोलेंगे, आप शांति से उनकी बात सुनिए। धन्यवाद सबको, नमस्कार।